नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। अब समाचार विस्तार से। जनपद में हनुमान जयंती के अवसर पर साहबगंज लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान हनुमान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। लक्ष्मी नारायण मंदिर पर भगवान हनुमान का पूजा अर्चना कर उनको रथ पर विराजमान करवाया। उसके बाद सेवादार रथ को खींचते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसमें सैकड़ों बच्चे, जवान व महिलाएं जय श्री राम का नारा लगाते हुए शोभा यात्रा में आगे आगे चल रहे थे, जो कि 44 वर्षों से लगातार निकाली जा रही है, जो कि साहबगंज हुनीपुर से होते हुए चौरैया, गोला, बख्शीपुर, नखास, मदरसा चौक, लालडिग्गी पार्क को होते हुए हनुमान मंदिर गढ़ी पर आकर समाप्त हो गया। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सेवादार एडवोकेट चंद्र किशोर अग्रवाल, अंश केशरवानी, शिवानी गुप्ता, सरिता गुप्ता, कृष्ण कुमार अग्रेरी ने कहा। सेवादार श्री तालाकर हनुमान जन्मोत्सव महोत्सव समिति साहबगंज गीता प्रेस गोरखपुर का सेवादार हूँ। 8 बजे प्रातः ये शोभा यात्रा का आयोजन हुआ है, जिसमें श्रद्धालुगढ़ हनुमान जी का निशान लेके अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पद यात्रा करेंगे, जो कि चौरैया, गोला, बख्शीपुर, नखास चौक, रेती चौक, घंटाघर होते हुए मदरसा होते हुए लालडिग्गी और हनुमानगढ़ी, जो कि गोरखपुर का प्राचीनतम मंदिर है, वहां जाके ये समाप्त हो। हम लोग तो ये शुरुआत ही किए थे, मेन है सब लोग, लेकिन बहुत मजा आता। हम लोग एक हफ्ते से इसकी तैयारी में लगे रहते हैं और कल से पूजा स्टार्ट हो गया था, सुंदरकांड पाठ हुआ है, पूजा में सब लोग शामिल हुए थे, आज शोभा यात्रा है, तो बहुत ही मजा आता है। क्या नाम है आपका? अंशु केसरवानी। लगभग 10 वर्षों से तो आ ही रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक जाती है शोभा यात्रा ये? पूरा बख्शीपुर होते, घंटाघर होते हुए हनुमानगढ़ी पे जाए। हर वर्ष आती है? हाँ, मैं हर साल आती हूँ। क्या नाम है आपका? शिवानी गुप्ता। सात साल से ये यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर से हनुमानगढ़ी मंदिर। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, सभी भक्त लोग उत्साहित हैं। हम लोग यहाँ से पैदल मनोकामना पूर्ण पद यात्रा यहाँ से हनुमानगढ़ी धाम जाएगी। सभी लोग, बच्चे, महिलाएं, माताएं, बहनें, भाई लोग, सभी लोग जा रहे हैं बड़े उत्साह के साथ। ये यहाँ हुनीपुर लक्ष्मी नारायण मंदिर से बख्शीपुर, घंटाघर और मदरसा होते हुए हनुमानगढ़ी धाम पे जाएगी। कृष्ण कुमार अग्रहरी।